दुनिया की तमाम कामयाबियों को हासिल करने के बाद अपने को सरल और हम्बल बनाए रखना सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी कामयाबी है। और ऐसी ही सरल और हम्बल पर्सनालिटी हैं आज हमारे पॉडकास्ट की मेहमान मल्टी टैलेंटेड शार्विनी शिवपुरी। शार्विनी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर रही हैं जिन्होंने कई टूर्नामेंट जीते और एशियन और वर्ल्ड के टेनिस रैंकिंग में टॉप 20 में अपनी जगह बनाई। शार्विनी टेनिस के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं और अभी म्यूजिक में प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रही हैं। और इस सब के साथ शार्विनी मानव तस्करी के लिए चोरी किए गए बच्चों और देह व्यापार में ढकेली गई महिलाओं को बचाने और उनको फिर से नई जिंदगी देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का भी हिस्सा हैं। तो आइए उनकी अभी तक की मोटिवेशनल जर्नी के बारे में बात करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ है शार्विनी। शार्विनी वेलकम हमारे शो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि देखिए आप एक इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं, एक म्यूजिशियन हैं, तीसरा आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं और एक सोशल वर्क करती हैं, मतलब सोशल वर्कर हैं। कैसे इतनी कम उम्र में आपने ये सारी अचीवमेंट कर ली और साथ ही साथ सबसे पहली ये बात है कैसे ये सारी चीजें मैनेज करना चाहती हैं, पर्सनली मैं जानना चाहता हूं और साथ ही साथ मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं, प्लीज बताएं। थैंक यू सर पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स अ प्लेजर। एंड म्यूजिक तो स्कूल में रहा क्योंकि 4 साल मैंने स्कूल में जब पढ़ रही थी तब स्कूल में साथ साथ म्यूजिक सीखती थी। तो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रयाग संगीत समिति है, वहां से मैंने 4 साल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। उसके साथ साथ टेनिस शुरू किया था एज अ हॉबी कि एक स्पोर्ट है और अच्छा रहता है स्पोर्ट खेलना। तो हालांकि मेरे फैमिली में किसी ने कभी टेनिस नहीं खेला, बट फ्रेंड्स थे जो खेलते थे तो उनसे थोड़ा सा फैसिनेशन में मैंने भी बोला कि नहीं मुझे भी खेलना है। तो जब शुरू किया तो एक फैसिनेशन, एक मजे के लिए किया था, एक्टिविटी के लिए, बट काफी इंटेंस हो गया और मेरा इतना मन लग गया उसमें कि फिर जब एक बार प्यार हो गया उस स्पोर्ट से तो फिर छोड़ने का मन ही नहीं किया। तो कंपेटिटिव खेलना शुरू किया, एशियंस खेला, एशियंस में 13th रैंक थी मेरी अंडर 16 में। उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले काफी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मैंने टूर्नामेंट्स खेले, यूरोपियन सर्किट में, तो वहां अंडर 16 में रनर अप विनर रही, अंडर 18 में रनर अप रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो सब तो स्कूल के साथ ही चलता रहा। फिर मेरे पापा एक्चुअली काफी काम करते थे फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एनजीओस। तो एज अ किड मैं उनके साथ जाती थी, कभी ऑर्फनेजेस में, कभी ओल्ड एज होम्स में, और उनके साथ काफी इंटरेक्शन रहा है बचपन से ही। बल्कि तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत मतलब बहुत एंथुजियास्टिकली इन जगहों पे मुझे लेके जाते थे और काम करते थे। तो उसी तरह मेरा एसोसिएशन स्टॉप के साथ हुआ, which is one of the NGOs which works for trafficking in women and children across India. Stop के अलग-अलग branches भी हैं, Stop Germany, Stop Ireland, वैसे ही Stop India है। तो मैं उनके साथ volunteer करती थी and उनके साथ काम किया। तो उसके साथ साथ bloggers of India है, I'm sure काफी लोग जानते होंगे, Ripu Daman है जो Blogman of India का, उनको Prime Minister ने खिताब दिया। तो उनके साथ मैंने थोड़ा काम किया है, उनके साथ चलता रहता है उनके इवेंट्स में काफी काम, प्लॉगिंग में, प्लॉग रन्स में, तो उनके साथ वो भी इवेंट्स चलते रहते हैं। बट हाँ, मेजरली तो यही है अभी टेनिस। अब मैं प्रोफेशनली नहीं खेलती, बट एक लाइफस्टाइल बन गया है तो अब मन लगता नहीं है उसके बिना। तो मैं अपना ही फिटनेस और अपने प्रोग्रेस इन फिजिकल फिटनेस काफी ध्यान रखती हूँ, तो हो जाता है बैलेंस। अच्छा, बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीजें बचपन से आदत हो गई, अब वो कर करके तो इसलिए हो ही जाता है। okay. तो ये आपकी बेसिक जो एजुकेशन हुई थी या बेसिक जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो कहाँ से हुई? क्या आप दिल्ली से ही बिलोंग करती हैं या फिर
कहीं और से बिलोंग करती हैं? सर वैसे तो मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, बट बहुत पहले माइग्रेट किए थे हमारे एंसेस्टर्स, तो इसलिए अब हमारे कोई रूट्स रह नहीं गए हैं कश्मीर में. सब पापा दिल्ली से ही थे, तो मैं केजी में, मैं 4 साल की थी जब हम दिल्ली आए, उससे पहले हम चंडीगढ़ रहते थे. एंड मेरी स्कूलिंग सेंट थॉमस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज का है. दिल्ली में से ही? हाँ जी हाँ जी, मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज अभी तक, मतलब 4 साल के बाद की सारी लाइफ दिल्ली ही है. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी. तो ये सारी जो आपने अचीवमेंट्स की टेनिस के अंदर और भी जो भी सिंगिंग के अंदर, म्यूजिक के अंदर, तो ये सारी चीजें आपकी दिल्ली में ही, यानी आपकी कर्म भूमि जो है वो दिल्ली ही रही है? जी जी जी, दिल्ली से ही आपने किया है. ओके, तो ये सिंगिंग पर आते हैं, सिंगिंग आपकी हॉबी रही है या फिर आपने इसे प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया है? नहीं सर, मैं एक हॉबी कहूंगी, एक इंटरेस्ट कहूंगी, एक एक सोल सर्चिंग एबिलिटी कहूंगी म्यूजिक को मेरे लिए. क्योंकि कुछ भी होता है तो मतलब मैं निकाल नहीं पाती गाने या म्यूजिक अपने दिमाग से, तो मेरे दिमाग में वो कोई ना कोई एक ट्यून हमेशा चलती ही रहती है. तो एक इंटरेस्ट है, और बचपन से ही इनकरेजमेंट मिली है गाने की, तो प्रोफेशनली तो नहीं, बट मतलब मन खुश करने के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है. नहीं तो अभी आपने बताया ना, यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस डाली थी मैंने, बट इंटरेस्ट से. जी जी जी, प्रयाग संगीत समिति से आपने? वो तो क्लासिकल डिग्री. जी 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 जी, मैंने 4 साल किया है, तो मेरे पास इंडियन क्लासिकल में 4 साल की डिग्री है. तो एग्जाम्स दिए हैं उनके अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. ओके ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा. मतलब ये है कि सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं, आपने अपनी मतलब एक हॉबी की तरीके से डेवलप किया और साथ ही साथ उसको आगे अभी भी कैरी ऑन कर रही हैं. तो ये जी, अभी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करती हैं या सिंगिंग ही करती हैं? सर मैं गिटार बजाती हूँ, बट मैंने गिटार ऐसे प्रोफेशनली सीखा नहीं है. बट मेरे एक भैया बजाते थे, तो उनसे ही देख देख के, उनसे ही थोड़ा बहुत सीख के, कैजुअल लर्निंग के हिसाब से मैंने गिटार सीखा है. तो जो मैं गाती हूँ उनके मैं निकाल लेती हूँ अपने गानों के कॉर्ड्स या जो भी आप कहें. तो बेसिक लेवल पे गिटार बजा लेती हूँ, और वैसे तो हारमोनियम सीखा था, क्योंकि इंडियन क्लासिकल में हमें बजाना पड़ता है. तो हारमोनियम तो क्लासिकल ट्रेनिंग के साथ ही सीखा था. ओके, तो मतलब मेन गिटार कोई, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है, और जो लोग यूट्यूब चैनल इनका अपना है उनसे कुछ वीडियोस पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं. मैं तो काफी, फिर आपने उसमें डालना वीडियो कम कर दिया, मैं कहूंगा कि आप हमेशा रेगुलर उसे डालिए वीडियोस, जो भी आपके वीडियोस हैं, और जितने भी हमारे इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं दे दूंगा. बहुत अच्छी म्यूजिक, मतलब बहुत अच्छी आवाज है और बहुत ही खूबसूरत गाती हैं आप. तो मतलब सबसे अच्छा जो आपको, तो अभी जैसे म्यूजिक की बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए. जी, तो आई थिंक आपने ही कहा था कि आपको बहुत पसंद आया था वो गाना. तो मैं नवाजिशें, तो हम वही गुनगुना देते हैं आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रात अंधेरी में छुप रहे थे, गुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे, सदियों से ऐसे जाग रहे थे, प्यार को अपने ठाप रहे थे, फिर गिर पड़े, कोई मिला ना सहारा, क्या करें, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियां, ये आरज़ू
थी कि देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपकी जो आवाज है उस आवाज में एक मतलब एक दर्द सा दिखता है कहीं से, मतलब वो कहीं से। हाँ मतलब ये वाला सॉन्ग मैंने कई बार आपका सुना, और फिर इसके बाद मैंने इसका जो मेन प्लेबैक था जाके उसको मैंने सुना, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग मुझे लगा था। और भी बहुत सारे सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगे थे आपके, तो बहुत अच्छा। तो ये थैंक यू सो मच। तो अभी आप इसको सिर्फ एज अ हॉबी, तो दिन में कई बार इसको गुनगुना लेती हैं या फिर कुछ एक टाइम आपने शेड्यूल बना रखा है कि वीकली इसको करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गाने तो बल्कि मतलब पूरे दिन में कभी भी मेरे घर में मतलब कोई ना कोई, मैं और मम्मी में से कोई ना कोई गुनगुना ही रहा होता है कुछ ना कुछ, तो गाने ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है, बट हाँ जब मन करे तब। अच्छा, नहीं मतलब मैंने सोचा रियाज के लिए कभी दिन का मतलब कुछ हफ्ते का वक्त निकाला हो आपने। सर रियाज का तो अब खैर अब मतलब कॉलेज और पढ़ाई और यूपीएससी के साथ उतना वक्त नहीं मिल पाता कि डेडिकेटेडली रियाज कर सकूं, पर हाँ कर लेती हूँ। मतलब हफ्ते में एक बार तो रियाज का मौका मिल ही जाता है, तो बीच बीच में हो जाता है, या फिर कभी कभी जब ज्यादा टाइम निकल जाता है तो आई ट्राई कि एटलीस्ट मैं म्यूजिक के इन टच रहूं, तो जो नए गाने आते हैं या जो मतलब नए म्यूजिक को जितने लोग डालते हैं या नया जो गाना कोई भी निकलता है तो वो सुन के उसको गुनगुना लूं, या किसी तरह से म्यूजिक के टच में रहूं, तो नए नए आर्टिस्ट के गाने सुनती रहती हूं, तो उससे ही सीखने की कोशिश करती हूं जितना हो सके। अच्छा, तो मम्मी भी सॉन्ग गाती हैं, मतलब कोई उन्होंने भी मतलब इंटरेस्ट है या फिर उनका भी कुछ प्रोफेशनल डिग्री है? उन्हें इंटरेस्ट है, सीखा नहीं उन्होंने कभी, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे तो नहीं सिखाते थे उतना कि गाना और ये सब क्रिएटिव आर्ट्स में उतना नहीं होता था, मौका नहीं मिलता था, बट उन्होंने सीखा नहीं है, बट हाँ उन्हें उन्हें पसंद है गाना गाना, तो हम गाते रहते हैं साथ में। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये जो आपका ये तो म्यूजिक का आपका रहा, टेनिस का थोड़ा सा बताएं कि टेनिस तो आपने जैसे बताया कि बचपन से ही फिर एक आपका इंटरेस्ट रहा, फिर उसके बाद आपने उसमें काफी अच्छा किया, इंटरनेशनल आपने खेला काफी अच्छा, तो इंडिया में भी खेला और इंडिया के बाहर भी आप बता रही इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपने खेले हैं, तो इंडिया में आपकी कितनी रैंक थी? आप अभी बता रही थी 16 रैंक एशियंस में, एशियंस अंडर एशियन, एशियंस अंडर 16 में। जी तो एक स्पोर्ट्समैन, मेरे प्रॉपर स्पोर्ट्समैन रही हैं आप, मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक स्पोर्ट्समैन रही हैं, तो क्यों छोड़ दिया इसको आपने, क्यों कैरी ऑन नहीं किया? मेरे एंकल में 3 बार सक्सेसिवली फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक पुल बैक लेना पड़ा स्पोर्ट्स से, क्योंकि प्रोफेशनली खेलने में आपको दिन में एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की हमारी ट्रेनिंग एंड ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट ट्रेनिंग एंड बहुत रिगरस होता है, तो मेरे एंकल में कंजेकेटिवली इंजरी होने के कारण लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो गई थी। ओके, तो मेरे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया, क्योंकि इंडिया में एंकल ऑपरेशंस का अभी इतना चलन नहीं है, और जो है भी तो उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है, तो अगर मुझे 1 या 2 बार और सक्सेसिवली लगती तो शायद मुझे ऑपरेट करवाना पड़ता, एंड उसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं है, यूएस में है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पुल बैक लेना पड़ा। इंजरी के वजह से आपने छोड़ा जी। तो अभी आप कहीं पर, जैसे कि आपने इंटरनेशनल खेला हुआ है टेनिस और काफी बड़े लेवल पर गई हैं, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस वजह से मैं बड़ी बात इसे कह रहा हूँ क्योंकि टेनिस यहाँ का इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इसको परसू नहीं करते, मतलब लोग ज्यादातर क्रिकेट को करते हैं या फिर अदर जो भी खेल है उसको करते हैं, टेनिस को नहीं कर पाते। टेनिस में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर जगह वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, जैसे क्रिकेट की है या हॉकी की है या अदर स्पोर्ट्स की है,
तो टेनिस के कोर्ट्स जो है नहीं अवेलेबल हैं, टेनिस के जो टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कोच अवेलेबल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि सुना है, मैंने सुना है, पता नहीं कितनी बात सही है, कि काफी महंगा स्पोर्ट है ये, तो जी बिल्कुल, तो काफी महंगा स्पोर्ट, तो वहां पर आप एक इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और सारी चीजें, तो क्या कभी फ्यूचर में ट्रेनिंग, मतलब अपने कुछ बच्चों को जैसे ट्रेन करने का इरादा है, कुछ कोच करने का इरादा है? सर वैसे अगर मैं कहूँ तो इंडिया में जैसे ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोचेस जो हैं वो आईटा से सर्टिफिकेशन लेते हैं, लेवल वन कोचिंग, लेवल टू कोच की, तो करना चाहूंगी कभी अगर मौका मिले तो, बट एज अ कोच मैंने कभी उस तरह सोचा नहीं, बट हाँ ये इरादा तो है, मन में एक प्लान है थोड़ा बहुत कि कहीं फिजिकल ट्रेनिंग की अगर मैं डिग्री ले सकूं, और चाहे सिखाऊं ना पर अपने ही यू नो नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए मैं सोचूंगी कि कुछ कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के वो मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मुझे लिफ्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे मुझे मजा आता है लिफ्ट करने में, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूर कोर्सेज कोई हो तो मैं देख के करना चाहूंगी फ्यूचर में। करना चाहेंगी और दूसरों को भी ट्रेन करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिफ्टिंग में तो हाँ जरूर मैं चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मतलब एक बहुत रिनाउंड मिसकंसेप्शन है कि लिफ्ट करने से हाइट रुक जाती है, लिफ्ट करने से लड़कियां बल्की हो जाती हैं, तो ये मैं थोड़े मिसकंसेप्शंस कम करना चाहूंगी, और लिफ्ट आप करती और चाहूंगी कि लड़कियां पर्टिकुलरली, जी जी जी, कितना मतलब कितने मैक्सिमम मैं लिफ्ट करती हूँ, मैक्सिमम कितना लिफ्ट किया है आपने? मेरी इंजरी के पहले मेरी इंजरी के दौरान मैंने कम कर दिया अपना लोड, बट अभी आई एम एट अराउंड 55 केजीज दैट आई कैन लिफ्ट एंड स्क्वाट, आई कैन क्लीन, एंड उससे पहले करीब 60 के ऊपर था, तो मेरी इंजरी की वजह से मुझे थोड़ा कम रखना पड़ता है, कैपेसिटी से थोड़ा कम रखना पड़ता है, मैं अभी भी कर सकती हूँ बट मैं उसको थोड़ा कम रख के चलती हूँ, ताकि इंजरी का थोड़ा मेरा पॉइंट परसेंट ही चांस कम रहे। सही बात है, नहीं सही बात है, अभी क्योंकि जिम्स और सब बंद हो गए कोरोना में, तो इसलिए अभी थोड़ा लेट बैक हो गया है लिफ्टिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से वापस ज्वाइन करके मैं ओवरलोड करके और बढ़ा पाऊंगी उसे। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, आप उसको और अच्छा इसमें करें आप। तो ये बताएं कि इंडिया में आपकी कौन सी रैंकिंग थी जब आप खेलती थी टेनिस में? सर मैं अंडर 16 में टॉप 20 में थी, अंडर 18 में भी टॉप 20 में थी। वेरी गुड, वेरी गुड, अंडर 18 में भी टॉप 20। एंड विमेंस में मेरी हाईएस्ट रैंक, जी मेरी विमेंस में हाईएस्ट रैंक अभी तक 53 के करीब रही है। अच्छा, मैंने काफी सुना है कि इंटरनेशनल जब टूर्नामेंट्स खेलते हैं इसके टेनिस के, तो टेनिस में मतलब कुछ आपको आपको खुद उसके अंदर जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो, मतलब उस टूर्नामेंट को खेलने जब जाते हो, तो उसमें आपको खुद पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, कुछ पे करना? बिल्कुल बिल्कुल, क्या प्रोसेस होता है इसे थोड़ा सा समझाएं, हम लोग इसको ज्यादा नहीं जानते। सर इंडिया में बहुत कम आपको स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जब तक आप थोड़ा अगर आपका खुद का बैकअप नहीं है, और बहुत कम अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो स्कॉलरशिप्स मिलती भी हैं या स्पॉन्सरशिप्स भी जो मिलती हैं वो यूजुअली आपको रैकेट्स में मिल जाती हैं, कि अगर आपको हेड स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको सालाना रैकेट्स मिल जाएंगे, आपको किट बैग मिल जाएगा, आपको मर्चेंडाइज का ही स्पॉन्सरशिप मोस्टली होता है, अदरवाइज बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट तो यूजुअली सारा फंडिंग जो आपका होता है वो आपके ही फाइनेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, चाहे वो ट्रैवल कॉस्ट हो या फिर अगर आपका टूर्नामेंट की फीस हो, वो सब आपके ऊपर ही रहता है।
सिर्फ जो जैसे हम कहें स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं या जो हमारे जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जोनल के बाद स्टेट एंड जो कॉलेज लेवल पे या फिर जो स्कूल लेवल पे नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट सपोर्ट ज्यादा रहता है। बट अगर आपको इंटरनेशनली खेलना है तो पहले शुरुआत में तो बल्कि काफी साल आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट ही रहता है, काफी एक क्या कहूँ मैं, जैसे इंटरनेशनली अक्लेम जब आपको मिलता है तो उसके बाद ही यूजुअली फंडिंग आपको मिलती है या स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, तो मेजरली पर्सनल इन्वेस्टमेंट ही रहता है। एक एक मान लीजिए एक इंटरनेशनल कोई प्लेयर है जो इंटरनेशनल प्रेजेंट करना चाहता है टेनिस में, तो टेनिस में इनिशियल जो टूर्नामेंट फी होती है वो कितनी होती है, मतलब अमूमन एक जनरल व्यू क्या है? अभी नेशनल लेवल पे तो जो फीस रहती है एंट्री फीस जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे, एंट्री फीस टूर्नामेंट के हिसाब से वेरी करती है, अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे 10,000 टूर्नामेंट है या फिर 15,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, उसके हिसाब से जो टूर्नामेंट का जो प्राइज मनी होता है और जो टूर्नामेंट की स्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से ही काफी वेरिएशन होती है। कभी कभी 1200 होती है, कभी कभी 3000 होती है, तो वो काफी वेरिएशन रहता है उसमें टूर्नामेंट के लेवल के हिसाब से। मतलब ये डॉलर्स में होती है? नहीं, इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो करीब इतनी रहेगी, या फिर जैसे अगर आप क्योंकि जो आप पे करते हैं फीस वो आप क्योंकि अपने पर्सनल अकाउंट से पर्सनल अपने फाइनेंसेस से पे करते हैं तो इट स्टेज इन योर ओनली योर करेंसी, क्योंकि आप वो इंडिया से ही फाइल करते हैं तो इट स्टेज इन योर करेंसी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। मतलब जितने बड़े टूर्नामेंट होते जाएंगे उतने उतनी ज्यादा फीस आपको पे करनी है। हाँ, एंट्री फीस उतनी ज्यादा रहेगी। हाँ, जी, जी। मतलब शुरुआती एंट्री फीस जो होती है वो 1000 से लेकर फिर लैक्स में पहुंच सकती है, 5000 6000 तक में चली जाती है। जी। हाँ, ओके ओके, उसको फिर वो आगे बढ़ते जितने बड़े टूर्नामेंट होते जाएंगे उतना वो लैक्स में भी वो कन्वर्ट जी एज ग्रुप के हिसाब से भी। हाँ जी हाँ जी, एज ग्रुप के हिसाब से भी रहती है, अंडर 16 है, अंडर 18 है, वुमेन्स है। और इसकी किट भी काफी महंगी आती है, किट भी काफी कॉस्टली रहती है। जी 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 जी। तो अगर एक अच्छे, मुझे लगता है कि अगर रैकेट्स बॉल्स इंडिया में अगर स्पॉन्सरशिप अच्छी मिल जाए और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स काफी पॉपुलर हो जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी टैलेंट है जो अच्छा कर सकता है टेनिस में। बहुत बहुत बिल्कुल। लेकिन स्पॉन्सरशिप, सारी स्पॉन्सरशिप जो होती है वो चली जाती है क्रिकेट को घूम फिर कर, तो जितने अदर स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि क्रिकेट का दीवानापन तो अच्छी बात है कोई भी स्पोर्ट्स एक अच्छा लेवल पर, लेकिन उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि क्रिकेट अच्छी बात है? क्रिकेट ने काफी स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स को के लिए बहुत कह सकते हैं कि एक उसको छुपा दिया, उसने कहीं ना कहीं उसको पीछे करने में मतलब अदर स्पोर्ट्स को भी पीछे करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका क्रिकेट का, कि उसने किसी दूसरे स्पोर्ट समझा नहीं जाता है, या फिर समझा भी जाता है तो फिर वो ज्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं होती जैसा कि आप बता रही हैं। तो ये चीज काफी है, मुझे लगता है कि मेरा कहना है सभी से कि आप क्रिकेट देखें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, बट मेरा मानना है कि अदर स्पोर्ट्स को भी इंजॉय करें क्योंकि अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत मजा है, बहुत आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा कर रहे हैं हमारे जो भी इंडिया के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे स्पोर्ट्स को आपको देखना चाहिए और सारे स्पोर्ट्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो अभी आप फिजिकल ट्रेनिंग भी बच्चों को दे रही हैं कहीं पर अपने आसपास? जी, अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे वही लगा कि क्योंकि इतने बच्चे हमारे सोसाइटीज में हम देखते हैं नीचे खेलते हैं और पूरा दिन उनका भागदौड़ लगी रहती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब अपने घर में एकदम बंद हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूं एटलीस्ट अपनी लोकेलिटी में और अपने आसपास के जितने बच्चों को इकट्ठा कर पाऊं कि शाम को जितना मुझे आता है जितना मैं उन्हें सिखा पाऊं, जितना मैं उन्हें एक्टिव बना पाऊं, क्योंकि जहां हम बचपन से शुरू करेंगे
जी जितना बचपन से शुरू करें उतना ही बेटर रहता है, ये मैंने अपने केस में भी देखा है। तो लर्निंग पावर ज्यादा रहती है और डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी हो सकती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत फैसिलिटेट करती हैं ये चीजें। तो इसलिए मैंने शाम को अपने ही सोसाइटी में फिटनेस क्लासेस लेनी शुरू करी बच्चों की लॉकडाउन के दौरान। तो वो और दिन का कोरोना एक में डेढ़ तो घंटा वहाँ रहता है। और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि लोग फिजिकली बच्चों के साथ तो खासकर कि फिजिकल एक्टिवनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और घर में रह रहकर बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल और इस वक्त मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद थोड़ा सा मैं खुद भी थोड़ा सा जॉग करता हूँ, जॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस से आपकी फिजिकल फिजिक ही नहीं फिट होती है, बल्कि आपका मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं जब भी कभी डिप्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल जब भी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा होने लगा, जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे बहुत बोर सा महसूस हो रहा है, बहुत सी घबराहट सी महसूस हो रही है, होता है इस लॉकडाउन में तो कई बार महसूस भी मुझे हुआ, मैंने जाकर मैंने जी जाकर जॉगिंग की, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैंने सिर्फ हम्म, दौड़ा, दौड़ता रहा, और उसके बाद दौड़ता रहा थक कर जब तक चूर नहीं हो गया, और फिर बाद में मैंने देखा बिल्कुल, मतलब सोचने का तरीका ही बदल गया, मतलब ये जो फ्रेशनेस मुझे बिल्कुल साइकोलॉजिकल फिटनेस जो उसकी वजह से मिली वो जबरदस्त थी। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपसे बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग की टिप्स लूंगा पर्सनली, और कभी भी बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी कभी लोग अगर कहेंगे तो मैं जरूर शर्वनी को सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए एक बार फिर से इनवाइट करूंगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि बिल्कुल शर्विनी को इनवाइट सिर्फ फिजिकल फिटनेस में ट्रेनिंग के लिए इनको एक बार मैं अपने पॉडकास्ट में या अलग से इनके इनके प्रोग्राम की तरीके से अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो ये बताएं कि आपने सोशल वर्क किया, सोशल वर्क में आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी और साथ ही साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर काफी काम किया हुआ है और कर रही हैं शेयर, तो ये बताएं कि इंडिया में जी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उसका भी क्या स्टेटस है, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अभी देखिए, अभी हाल में ही दिल्ली की एक पुलिस वो थी, होमगार्ड थी या नहीं, दिल्ली में शायद वो कांस्टेबल थी, सॉरी कांस्टेबल थी, उनको आउट जी 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 ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, सिर्फ उन्होंने 70 to 75 हाँ बच्चों जी हाँ जी को बचाया, बच्चों को हाँ जी सेव किया। तो जी सब चीजें, इसका क्या स्टेटस है और इस पे आप कैसे काम कर रही हैं ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए? मैं डायरेक्टली ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग पे काम नहीं करती। मैं जो एनजीओ है हमारा रमोला भार चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, एंड उनके जो फाउंडर हैं, उनकी जो प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं रोमा रोमा देव बत्रा मैम, मैं उनकी टीम के साथ एज रिहैबिलिटेशन में मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया है, जिसमें इंग्लिश सिखाना या उनको म्यूजिक सिखाना, उनको फेमिलराइज करना नॉर्मल सिचुएशन से, उसमें किस तरह से उनका मूड हम लिफ्ट करें और कैसे उनको उनके मेंटल स्टेट से बाहर लाकर थोड़ा उनको रिफ्रेश करा जाए, मैंने उसमें उनके साथ थोड़ी हेल्प की है। ओके तो ट्रैफिकिंग पर्टिकुलरली इंडिया से बाहर और इंडिया में इजी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, उस वजह से हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है। करीब अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो 12,000 से 50,000 वुमेन और चिल्ड्रन को ट्रैफिक किया जाता है इन सेक्स ट्रेड। एंड हमारे जो NHRC है उनकी जो रिपोर्ट है जो निकलती है उसमें करीबन जो उनके आंकड़े हैं वो 40,000 बच्चे पर ईयर अबडक्ट होते हैं, बहुत और उसमें से ज्यादा 12,000 से भी ज्यादा बच्चे अनट्रैक्ड रह जाते हैं। बहुत ही तो जो एडवर्स स्टॉप सिचुएशन फाउंडेशन है है। वो बहुत ही हाँ वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं स्टॉप फाउंडेशन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने की। एंड वो अपने दो तीन इनिशिएटिव्स भी चलाते हैं कोशिश के नाम से, जो उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है केटरिंग में, एंड वो बेकरी आइटम्स हो या फिर खाने की चीजें हो या फिर शादियों में केटर करना हो, एंड वो अपनी केटरिंग को बहुत प्रमोट करते हैं, एंड उनके बच्चे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनकी लेडीज एंड वहाँ के बच्चे बहुत बहुत उम्दा काम करते हैं कोशिश के थ्रू। बहुत तो अच्छा, अगर आप कभी स्टॉप की जो आप साइट है उस पे जाके देखें तो वहां पे एक टैब है कोशिश का,
तो वो उनका इनिशिएटिव है जहाँ पे वो उनको एक नॉर्मल एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने लिए अर्न करना सीखें, अपने आप को वापस रीबिल्ड करना सीखें, रिहैबिलिटेट कराएं, तो उनके साथ बहुत अच्छा काम होता है। तो अगर कोई जाके वहां देखना चाहे तो स्टॉप की साइट पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है उनके सारे काम के बारे में। बहुत अच्छा, मतलब इस वक्त पे इस पर काम करना एक बहुत बड़ी बात है और आप उनसे जुड़ी हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ओवरऑल उन बच्चों को, मतलब बच्चों को और उनकी जो फीमेल्स हैं जो इनको सेक्स के लिए ट्रैफिक किया गया है, तो उनको ओवरऑल ट्रेन करके उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाती हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो लोग उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिला के और रिहैबिलिटेशन के तरफ बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, सेव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, रिहैबिलिटेट भी करते हैं एंड वापस उनको एज यू नो केयर गिवर्स, एज सपोर्टर्स, एज देयर ओन इंडिविजुअल्स उनको तैयार करते हैं टू गेट बैक इनटू द सोसाइटी। बहुत अच्छा, मतलब इसके लिए आपको सैल्यूट है कि आप इतना जबरदस्त काम कर रही हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को सैल्यूट है जो इतना इतना बड़ा काम कर रही हैं। तो स्टॉप फाउंडेशन पे आप लोग जरूर विजिट करें, उनकी वेबसाइट है और उस पर जाकर आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का अगर कंट्रीब्यूशन वो चाहते हैं तो आप बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है हमारे यहाँ बहुत ही, बस मैंने एक पढ़ा था और शायद आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अभी हाल फिलहाल में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो यूज है उसे बैन किया गया है, क्योंकि वहां पे फीमेल छोटी छोटी बच्चियों को एबडक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाकर उनकी उम्र से पहले ही उनको सेक्सुअली मैच्योर कर दिया जाता है और फिर बाद मैच्योर कर दिया जाता है कि मतलब अगर 8 साल की बच्ची है तो वो 14 ईयर्स 13 ईयर्स की दिखने लगे और फिर उसके बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसे सेल कर दिया जाता है कुछ पैसों के लिए, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 के लिए सेल कर दिया जाता है। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बहुत ही, तो इंडिया में अभी ऑक्सीटोसिन को इसी वजह से बैन भी किया गया है, तो इस पे आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बात है। तो अभी शर्विनी, अच्छा शर्विनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन अभी फिर से याद आ रहा है, शर्विनी बहुत ही यूनिक नेम है, ये इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में और हिंदू पूरे हमारे जो वेद हैं या फिर कल्चर में मैं कहूँ तो ये ऐसे प्रथा थी हमेशा से कि लड़की का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था, नया नाम दिया जाता था। तो जब पार्वती जी की शादी हुई तब उनका नाम पार्वती हुआ मैरिज, बट जब वो छोटी थी बचपन में कहा जाता है कि उनका नाम शार्विनी था। Okay. तो उसी से ये नाम लिया गया है, तो वहीं से है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि शेर की आवाज, शर्वाहिनी, शर्वाहिनी, ओके, तो शेर की आवाज रखने वाला। वेरी गुड, तो ये आपके पेरेंट्स ने दिया था या फिर आपके आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने? नहीं, पेरेंट्स ने ही दिया था। तो श व और न तीन कॉन्सोनेंट्स का नाम कहते हैं कि लकी होता है, अच्छा होता है, तो उसी से फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला। अच्छा अच्छा, अभी एक मैंने अपने पॉडकास्ट में प्रणय को बुलाया था, प्रणय कुमार दास को बुलाया था, तो वो इंडिया का सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर, वन ऑफ द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने भी काफी कुछ मुझे इस सब के बारे में बताया कि किस नाम से रखना चाहिए, किस कॉन्सोनेंट से रखना चाहिए और कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पॉडकास्ट देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कि कैसे जो एस्ट्रोलॉजी है वो कैसे साइंस है, उसको उसने काफी अच्छा डिस्क्राइब किया कि कैसे वो साइंस की से रिलेट करती है। तो जिन्होंने नहीं देखा है उस एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिषी शास्त्र कैसे विज्ञान है, कैसे साइंस है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसको जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पॉडकास्ट रहा है। तो शर्विनी अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो मास्टर्स कर रही हूँ मैं अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड वो अब एग्जाम्स उसके पता नहीं कब होंगे, कोरोना वायरस की वजह से सब डिले हो गया है, बट मास्टर्स कर रही हूँ और साथ साथ फ्रेंच क्लासेस शुरू करूंगी मैं। मुझे फ्रेंच हमेशा से सीखनी थी एंड एज ए लैंग्वेज मुझे पसंद है फ्रेंच, मैंने स्कूल में पढ़ी है, तो मैं फ्रेंच सीखना शुरू करूंगी कमिंग ईयर से।
एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अप्लाई करूंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। आप इतना सारी चीजें करना चाह रही हैं, तो ये बताएं कि लास्ट में हमारे हम लोगों के लिए क्या गुनगुनाएंगी? आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर आपने आप कुछ सुना है मेरे उनमें से जो आपको पसंद है, जो मर्जी हो आप। ठीक है, एक जब वी मेट का बहुत सुंदर गाना मुझे लगता है, आओगे जब तुम। अच्छा, तो मैं उसी की दो लाइनें गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आओगे जब तुम सजना, आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल से मिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल जो लोग भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं या फिर अब सिंगिंग में अच्छा करना चाह रहे हैं, सोशल वर्क में अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहूंगी कि जिसमें भी आपका मन लगे, जो भी चीज आपको अच्छी लगे, उसे प्लीज पूरे दिल से परस्यू करें। और अगर आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाए किसी भी इनिशिएटिव के टुवर्ड्स, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, कोई भी सोशल वर्क हो, कोई भी सोसाइटल टू गिव टू द सोसाइटी का अगर कोई भी काम हो किसी भी तरह से, चाहे एक अपने पर्सनल लेवल पे ही क्यों ना करें, प्लीज उसे जरूर टेकअप करें। और अगर आप एक एक जना जहां शुरू करेगा वहीं दो से तीन बढ़ जाएंगे, तो आप उन्हें जितना बता सकें, जितना फैला सकें उन चीजों को, और वापस अपनी सोसाइटी में कुछ किसी भी तरीके से अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो प्लीज करें, कंट्रीब्यूट करें, चाहे कितना भी छोटा ही काम क्यों ना हो, चाहे एक प्लास्टिक बॉटल ना यूज करना ही अगर आप शुरू करें, और अपने चॉकलेट रैपर्स को अपने पॉकेट में डाल के रखें, जब डस्टबिन दिखे तभी उन्हें फेंकें, चाहे ये ही क्यों ना हो, चाहे आप होम प्लांटेशन ही क्यों ना शुरू करें, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करें, टैप ठीक से बंद करें, छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी बन जाएंगी। बड़ी-बड़ी तो बन जाएंगी, प्लीज अच्छे से सब अपना काम करें, अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करें, चाहे किसी और का योगदान हो या ना हो, अपना काम अच्छे से करें, और जिसमें सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको दिल लगे, आप वो काम जरूर अपने पूरे दिल से करें एंड डेडिकेटेडली करें, तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। तो शर्विनी बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई। थैंक यू सर। और बहुत लोगों को, आई एम श्योर कि बहुत लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन आपसे मिली होगी। और मैं जितने भी व्यूवर्स, मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए शर्वनी एक बहुत ही कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, और बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, किसी की जिंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं होती है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। शर्वनी की भी लाइफ में अपनी दिक्कतें रही होंगी और हैं, इनफैक्ट उन्होंने बताया कि एंकल इंजरी की वजह से उनको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा, अपना फेवरेट, जहां पर वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही थी, तो लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारा और बहुत सारे चीजों में अपने आप को बहुत वर्सेटाइल बना लिया। और यही जीने का एक तरीका है कि आप रोते नहीं बैठ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, इस सोसाइटी को, जैसा शर्विनी ने कहा कि कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, और वो छोटे छोटे फॉर्म में भी हो सकता है, बड़े बड़े फॉर्म में भी हो सकता है। तो होप कि आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है, ये जो पॉडकास्ट है, ये बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो अगर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे कि लोग भी इन सारी चीजों से इंस्पायर हो सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और अगर आप कहेंगे तो शर्विनी को फिर से मैं इनवाइट करूंगा स्पेशल हेल्थ
स्पेशल आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। तो शर्वनी को फिर से बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।